आंसू पुछवा ले, रोना नहीं है, ठीक है। जिम के पूरे ड्रामे चल रहे हैं, कह रहे हैं कि टाल मुझे छोटा चाहिए, जिम ज्वाइन किया हुआ है, एक दिन नहीं हुआ है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई आज मैंने फ्रिज खोला और मुझे खीरा मिला क्योंकि कल मेरा फ्रेंड आया था उत्तराखंड से, कहता भाई मैं अपने घर में जो उगाया ना मैंने खीरा वो लेकर आता हूँ, ये खीरा नहीं है, खीरे के समाज में लौकी है। देखना मेरे दो, मतलब यार एक आम खीरे से बहुत बड़ा खीरा है यार। एनीवे इसको रखते बाद में खाएंगे। हाँ नींद आ रही है, थोड़ी देर सोता हूँ वापस से। भाई आज भी लॉन्ड्री डे है, जिस दिन ऑफ होता ना टाइम को वेस्ट नहीं करता मैं, सीधा कपड़े धोने स्टार्ट। भाई लॉन्ड्री डे सेलिब्रेट करने के बाद अब निकला हूँ कुछ खाने के लिए, बहुत ज़रूरी भूख लग रही है। छोले भटूरे खाऊंगा नहीं, ना छोले कुलचे खाऊंगा, ना यटरम शटरम खाऊंगा कि पेट ब्लॉक हो। आई डोंट वॉन्ट दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी, गैस है ना। मैं यूरोबा देखते हैं कुछ फ्रूट्स फ्रूट्स लेने जाता हूँ। और वैसे भी आज मैंने वो अर्बन क्लैब से ना वॉशरूम बहुत दिनों से गंदे हो रखे थे, तो डीप क्लीनिंग कुछ स्कीम चल रही थी उनकी, थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा था, मैंने वो करा दिया बुक। 1 बजे भैया वो आएंगे, दोनों वॉशरूम क्लीन करा दूंगा। आज मेरा सफाई डे है, पूरे दिन की सफाई। बस आज मैं खुद नहीं नहाया, वरना मैं सुबह उठकर नहाकर मंदिर जाता हूँ। मैं सोचा कि एक दिन छूट गया, कुछ नहीं होता, काम निपटाता हूँ, बहुत ज़रूरी जो है। चलो समझ रहे ना, इधर जाएँ उधर जाएँ, इधर ही चलते हैं। प्लानिंग क्या थी कि फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स लेने जा रहा हूँ। यहाँ पर मिनी थाली का कारवा देखा हो रहा होता हुआ, दाल मखनी और छोले खाए जाएंगे। क्या कर रहे हो भैया, दाल मखनी और क्या है? छोले। हाँ और बटर नान लगा देना, फ्रूट्स बाद में ले जाऊँगा। एक तो एक आलसी आदमी ने पूरे घर की चादरें धोई और बारिश आ गई। सूखने का नाम तक नहीं, ऐसे तो हिम्मत टूटती है यार, क्या बोले अब। एनीवे बारिश बंद हो गई है और निकल रहे हैं हम शॉपिंग के लिए, क्योंकि बाहर फ्रेंड्स आए हुए हैं, कहते हैं यार शॉपिंग के लिए चलते हैं। मैं कहा चलो यार बहुत दिन हो गए, मैंने भी कुछ नहीं खरीदा, चलते हैं फिर। हाँ जी, जब भी आप किसी शादीशुदा दोस्तों से मिलते हैं ना बहुत दिनों के बाद, तो ये नहीं पूछा जाता कि कैसी चल रही है शादीशुदा लाइफ, वरना पूछ के देखते हैं क्या होता है। रुको एक सेकंड, एक मिनट ना मेरे। हाँ जी कैसी चल रही है शादीशुदा लाइफ? शादीशुदा, रोना नहीं है, रोना इधर आ, आंसू पुछवा ले, रोना नहीं है, ठीक है। समझ सकते हैं यार, किसी से भी ना मत पूछो जो शादीशुदा है कि कैसी चल रही है लाइफ शादी के बाद, इमोशनल हो जाता है इंसान, ठीक है। भाई अभी बहुत गंदा कट्टा हुआ मेरे साथ, भैया मुझसे पूछते हैं भैया आपका यूट्यूब चैनल हमें कहाँ है, इंस्टाग्राम पे भी हो मैं कहाँ है, मैं दो मुझे चैनल सब्सक्राइब करने दो अपने फ़ोन से। ये फ़ोन निकाल के लाए, ये वाला क्या करूँ मैं, 1200 की है ये। इसमें कहाँ पे जाके मैं सब्सक्राइब कर सकता हूँ, दिखाइए मैं आपको शो करता हूँ। ये देख, ये जो भैया, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप है सर, अर्बन कंपनी से काम करता हूँ। भैया प्रदीप भैया ने क्या क्लीन किया, इतना गंदा वॉशरूम था ना, भैया ने मैजिक किया है। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई ऐसा ही होता है जब आप जिम ज्वाइन करते हो ना, तो जिम ज्वाइन करने से पहले इतने सामान ले लेते हैं, इतनी एसेसरीज, भाई वो लेना है टाल लेना है छोटा, वो रिस्ट बैंड लेने हैं, बैग लेना है। जो वो कैप में आ रहे हैं ना भाई साहब, उन्होंने जिम ज्वाइन किया, इन्होंने कह रहे हैं डीकैथलॉन जाना है। मेरा किस लिए, कहता है जिम ज्वाइन किया है तो मुझे सब एसेसरीज लेनी है। और मैंने ये देखा है जब जब हम सामान लेते हैं ना उसके बाद से इंटरेस्ट कम होने लगता है, पता नहीं अब कितना सही है, मेरा एक्सपीरियंस तो यही बोलता है। जिम ज्वाइन कर लो, बताओ मत किसी को भी, जैसे ही आपने बताया ना मैंने जिम ज्वाइन किया, बस लोगों की नज़रें लग जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है यार। आई डोंट नो आपको क्या लगता है, क्या बोलें आप। चलो भाई चलते हैं, वैसे मैं नहीं बताऊंगा मैं कब से ज्वाइन कर रहा हूँ, वरना नज़र लग जाएगी, ज्वाइन ही नहीं कर पाऊँगा।
चलते हैं डीकैथलॉन। ₹800 में एप्स बन रहे हैं और मेरे जिम वाला ₹2000 ले रहा है। मैं क्यों जाऊं जिम जब एप्स इससे ही बन रहे हैं। कि जिम के पूरे ड्रामे चल रहे हैं, कह रहे हैं कि टाल मुझे छोटा चाहिए, जिम ज्वाइन किया हुआ एक दिन नहीं हुआ है, ड्रामे देख लो। हाँ कितना बड़ा चाहिए टाल पसीने पहुँचने के, बताइए पसीने पहुँचने के कितना बड़ा टाल चाहिए आपको, इतना बड़ा चाहिए। ये भी चाहिए होगा निक्कर है, जिम ज्वाइन किया तो निकल भी तो चाहिए होगा। ये देख लो यहाँ से ले लो ले लो ले लो। हाँ। अब ये 75 हार्ड चैलेंज नहीं है, ये देख लो ये है। और ये इनका जिम इंस्ट्रक्टर बोल रहा है कि 3 महीने में 6 पैक एब्स ला दूंगा, मुझे उसके लिए दे आ रही है। ओहो साइकिलिंग भी होगी, वाह 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 वाह। नहीं चाहिए कुछ भी, अरे वो भी तो होता है हाथ में ऐसे बांध रहते हैं कि फिर ये पसीना पोंछ लेते हैं, वो होता है रिस्ट बैंड, वो नहीं चाहिए है आपके पास। बोतल ले ली, दिखाना बोतल, बोतल ले ली गई है जिम के लिए। और क्या चाहिए होते हैं ड्रामे हैं, क्या चाहिए, टी शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए लूज वाली, यस वो कट स्लीव होती है ना वो भी चाहिए होता है। वरना पता है क्या होता है, जैसे आप जिम ज्वाइन करते हैं फिर आप पूरी टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, फिर आपको एंट्री नहीं होती है। ये जिम के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। वहाँ पर रोहित है छोटा, कोई मिल गया चल रहा है, वहाँ पर शूट चल रहा है, पता नहीं कहाँ कैमरा है। इनका जो साला है वो भी अब जिम के लिए सामान देख रहा है, उसने बंधन फिल्म देखी है, जो जीजा जी करेंगे वो मैं करूँगा। कहाँ है वो देखो, ये रवा जी ये भी जिम ज्वाइन करेगा। ड्रामे रह गया क्या जिम के लिए, सब ले लिया बेसिक तो। मुझे लगता है भाई ये भी चाहिए होगा है ना, वो माथे पे ऐसे बांधते हैं ताकि पसीना निकले, जब जिम की इतनी बकड़ चल रही है तो वो भी चाहिए होगा। मान नहीं रहे अब, कल फिर आएंगे डीकैथलॉन। ये बकड़ चल रही थी, मैंने भी सोचा कि मैं भी ले लेता हूँ। हाँ जी तो घर पहुँच चुके हैं, अभी पड़ोसी घर में हूँ, देखते हैं डिनर क्या सीन है इनके, धीरे बोलते हैं डिनर क्या सीन है, देखते हैं बना रहे तो अच्छा तो फिर मैं इनके साथ कहूँगा, नहीं तो चुपके से जोमेटो से ऑर्डर करूँगा, अकेले खाएंगे। एनीवे आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक मेरे बेल आइकन को नहीं दबाया, सॉरी और अभी तक मेरे बेल आइकन को नहीं दबाया मेरे चैनल को, तो दबा दीजिए ताकि सारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन को दबाना ना भूले मैं, एंड कीप सपोर्टिंग मी, लव यू ऑल, बाय बाय।